Welcome to all in my online computer classes. For standard 3, Uttam Sir, Pataliputra Central School, Pravarta. Helpline number 8809244368. Today we will discuss about the keyboard. For standard 3. Chapter 4, More About Keyboard. This chapter covers about keyboard, types of keys on keyboard, use of shift keys, do's and Hello students, जैसा कि हमने आपको previous video में more about keyboard पढ़ाया, जिसमें हम आपको about keyboard और types of keys on a keyboard के बारे में बताए थे। हम आज इस video में कुछ स्पेशल कीज के बारे में बताएंगे और उसको हम वर्क करके भी आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर कि कैसे वर्क किया जाता है या कैसे हम उसको उसका यूज करते हैं। स्पेशल की के बारे में क्या यूज करते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन दिख रही होगी, जैसे स्पेशल कीज Alt Space Backspace Delete Caps Lock Enter Return Escape Shift Key Control Tab Home और End, ये सारे कीज हैं। इसमें Caps Lock की के बारे में हम बताए थे, तो Caps Lock की के को हम का यूज करके हम आपको बताते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिएगा, हम WordPad ओपन करते हैं और यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट टाइप करके उसकी एडिटिंग करते हैं। जैसे कि आपको कुछ लिखना होता है, आप स्मॉल लेटर में लिखते हैं, जब नॉर्मली हम कीबोर्ड का यूज करते हैं तो वो लिखाता है स्मॉल लेटर्स में, लेकिन आप किसी कैरेक्टर का या किसी वर्ड का अगर फर्स्ट कैरेक्टर आप कैपिटल लिखना चाहते हैं तो आप कैप्स लॉक की को प्रेस करने के बाद, जैसा कि हम स्क्रीन पर भी ला के दिखाते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड सबसे पहले आपको अगर यहाँ पर लिखना होता है, सपोज दैट इस कैप्स लॉक को हम पहले ऑफ कर लेते हैं, हम जो टेक्स्ट टाइप करते हैं वो हिंदी आपका यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट होता है, स्मॉल लेटर्स में टाइप होता है, लेकिन अगर इसको कैपिटल लेटर में लिखना है हम क्या करेंगे, इस कैप्स लॉक बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद जब हम प्रेस करेंगे कोई भी चीज तो वो आपका कैपिटल लेटर में लिखाएगा। जैसे आपको कोई नाम लिखना है, पहले हम इसको रिमूव कर लेते हैं कैप्स लॉक को, कोई नाम लिखना है तो नाम का फर्स्ट कैरेक्टर आपको लिखना पड़ता है कैपिटल लेटर में, तो हम क्या करेंगे इस कैप्स लॉक को क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे, जैसे राम लिखना है तो आर टाइप किया हमने, फिर हमको यहाँ पर कैप्स लॉक दबाए और हम ए टाइप कर दिए, यानी कि इसके बाद जो भी हम कैरेक्टर टाइप करेंगे वो स्मॉल लेटर में टाइप होगा और जब फिर हमको कैपिटल लेटर टाइप करना होगा फिर हम कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे और उसके बाद जो भी हम टाइप करेंगे वो क्या होगा, कैपिटल लेटर में टाइप होगा। नेक्स्ट है आपका आप यहां ध्यान से देखेंगे हमको पढ़ने नेक्स्ट बैक स्पेस की, आपको हम यूज करके दिखाते हैं बैक स्पेस की का क्या यूज है। जैसे दिस की यूज टू इरेज दैट इज टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, बैक स्पेस की का यूज यानी कि किसी भी कैरेक्टर का यानी कि किसी भी टेक्स्ट को जब हम बैक स्पेस की उसको हम हटाना चाहते हैं, इसको रिमूव करना चाहते हैं, इरेज करना चाहते हैं, अगर आपका कर्सर टेक्स्ट के राइट साइड में हो और बैक साइड वाले को लेफ्ट साइड वाले को टेक्स्ट को कट करना है तो आप बैक स्पेस की का यूज कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाएंगे यहाँ पर करके कि अगर सपोज दैट हम ले लिखा हमने यहाँ टाइप कर दिया ओ आर, यहाँ पर हमने रॉन्ग वर्ड टाइप किया सी ओ एम पी यू टी ओ आर, अब टी ओ आर को हमको काट के हटाना है,
तो अब लेफ्ट साइड कर्सर, यानी ये जो आपका कर्सर यहाँ पर ब्लिंकिंग हो रहा है इसको कर्सर कहा जाता है, ये जो आपका वर्टिकल लाइन है इसको कर्सर कहते हैं। इसके लेफ्ट साइड टेस्ट को इरेज करने के लिए हम बैक स्पेस की का यूज करते हैं। जैसा कि हम स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको, यहाँ पर डेल लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये है बैक स्पेस की। इसको जब हम एक बार प्रेस करते हैं तो वहां से क्या होगा, टेक्स्ट को हम कट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये आपका जो इधर मूव किया हुआ है, इसे हम क्या करते हैं बैक स्पेस की। अब इसको प्रेस करते CMPUT, फिर हमने वहां पर टाइप कर दिया ER कंप्यूटर, यानी कि कर्सर के लेफ्ट साइड वाले टेक्स्ट को इरेज करने के लिए हम क्या करते हैं बैक स्पेस की का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पेस बार की, नेक्स्ट है स्पेस बार की। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इट इज द लॉन्गेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड, आप यहाँ देख सकते हैं इस कीबोर्ड में क्या कि इसका जो ये सबसे बड़ा की है, इसे क्या कहा जाता है स्पेस बार की कहा जाता है। क्या स्पेस बार की, इसका क्या यूज होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, इट इज यूज टू गिव द ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। जस्ट लाइक हम इसको पुनः आपको करके दिखाते हैं कि जैसे कंप्यूटर लिखे फिर हमको इज देना है, तो यहाँ हम क्या करते हैं एक बार बैक स्पेस की प्रेस करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको अगर हम बैक स्पेस नहीं देते हैं तो वो मेरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, सॉरी स्पेस नहीं देते हैं। तो दो वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए जब कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हमको हर वर्ड के बीच में स्पेस देना पड़ता है, वो स्पेस देने के लिए हम क्या करते हैं स्पेस बार की का यूज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक बार प्रेस किया, फिर लिखे हम कंप्यूटर इज, फिर हमने एक बार यहाँ पर स्पेस दिया, फिर देखिए आपका यहाँ पर एक स्पेस हो गया, फिर कंप्यूटर इज एन, फिर हमने यहाँ पर स्पेस दिया। इस तरह से किसी भी वर्ड के बीच में, किसी भी सेंटेंस में जब वर्ड टाइप करते हैं उसके दो वर्ड के बीच के में स्पेस देने के लिए हम स्पेस बार की का यूज करते हैं। नेक्स्ट है शिफ्ट की, देखते हैं शिफ्ट की का यूज क्या होता है। शायद आप लोगों को ये दिख रहा होगा, हम इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको सही रूप में दिख सके। तो ये शिफ्ट की, देयर आर सम कीज ऑन ए कीबोर्ड विथ टू डिफरेंट सिंबल्स मार्क्ड ऑन इट, यानी कि शिफ्ट की का कुछ आप की देखते हैं कीबोर्ड में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ देखिए, यहाँ तो स्पेस बार फंक्शन की, जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका कॉमा है, इसके बाद आपको एक लाइन दिया हुआ है, वन है, इसके कुछ ऊपर में कुछ सिंबल्स भी दिए हुए हैं। आप ध्यान से देखिएगा तो इसे पता चलेगा कि पहले तो नंबर है, नंबर के जस्ट इसके ऊपर इसी की में कुछ सिंबल्स दिए हुए, इस सिंबल्स को टाइप करने के लिए हम शिफ्ट की का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर आर सम कीज ऑन ए कीबोर्ड विद टू डिफरेंट सिंबल्स मार्क्ड ऑन इट, यानी एक ही की पर दो सिंबल्स रहते हैं। द अपर सिंबल इज कॉल्ड अपर कैरेक्टर एंड द लोअर सिंबल इज कॉल्ड लोअर कैरेक्टर, यानी एक ही बटन पर, एक ही कीज पर दो सिंबल्स रहते हैं अपर और लोअर। नेक्स्ट है शिफ्ट की यूज टू टाइप अपर कैरेक्टर व्हाइल प्रेसिंग द शिफ्ट की, यानी जब हम शिफ्ट की को प्रेस करके हम उस की को प्रेस करते हैं तो उसके अपर साइड में जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर टाइप होंगे। नेक्स्ट प्रेस द कीज दैट हैज द अपर कैरेक्टर टू द टाइप द अपर कैरेक्टर, वी कैन आल्सो टाइप कैपिटल लेटर यूजिंग द शिफ्ट की। जस्ट लाइक इसका एग्जांपल हम देके बताएंगे आपको कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। हम फिर से वर्ड पैड ओपन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए शिफ्ट की का प्रयोग हम आपको बताते हैं कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक, यानी इससे हम थोड़ा नीचे चले जाते हैं ताकि आपको सही रूप में दिख सके। ओके, यहाँ पर हमने कुछ वर्ड टाइप किया, कुछ भी टाइप कर दिए, चलिए हम इसको बैक कर लेते हैं। शिफ्ट की का दो प्रयोग क्या कि यहाँ पर देखिए कि जो सपोज दैट आपको एट द रेट टाइप करना, वहां पर हम क्लिक किए तो टू टाइप हुआ, लेकिन हमको करना क्या था एट द रेट टाइप करना था, तो हम क्या करेंगे शिफ्ट की को एक बार प्रेस करेंगे
और उसको प्रेस किए रहेंगे। यहाँ तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है इसलिए हमने यहाँ पर क्लिक किया, लेकिन आपको कीबोर्ड में क्या करना है, शिफ्ट पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद जब आप टू को टाइप कीजिएगा, देखिए आपका यहाँ पर टाइप हुआ एट द रेट। सपोज दैट यहाँ थ्री है और थ्री के ऊपर वाले करेक्टर को हमको टाइप करना है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट की के साथ थ्री को जब प्रेस करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर हज टाइप हुआ। लेकिन अगर शिफ्ट की ऑन नहीं है और यहाँ करते हैं तो वो क्या होता है, थ्री टाइप होता है। दूसरा क्या है इसका यूज, कि अगर आपको कैपिटल लेटर लिखना है, जैसे आप प्रेस करते हैं आपका स्मॉल लेटर लिखाता है, अगर आपको कैपिटल लेटर लिखना है तो शिफ्ट की के साथ जब हम टाइप करते हैं, शिफ्ट की को जब प्रेस करके ये कोई बटन दबाते हैं तो वो क्या होता है, कैपिटल लेटर में ही टाइप होता है। यानी कि हम स्मॉल और कैपिटल यूज कर लिखने के लिए भी शिफ्ट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटर या रिटर्न की। अब देखिए इंटर की क्या होता है, हम थोड़ा बैक हो जाते हैं इसको, हम यहाँ पहुँचे कंप्यूटर इज एन। अब इंटर की का प्रयोग क्या होता है कि हम आपको यहाँ देखेंगे कि आपके बुक में क्या कंटेंट्स है, इंटर देखते हैं कि इंटर की का क्या यूज है, आपको शायद स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इंटर की यूज टू मूव द कर्सर टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नेक्स्ट लाइन, इट इज मार्क्ड विद साइन, आपका इंटर की का सिंबल भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, क्या कि आप इंटर की का यूज जो करते हैं, इंटर की का यूज हम करते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। जैसे हम आपको एग्जाम्पल देंगे यहाँ पर कि सपोज दैट कंप्यूटर इन लिखे हैं, हमको नीचे टेक्स्ट टाइप करना है तो हम क्या करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे। जैसे इंटर की प्रेस करेंगे मेरा कैरेक्टर कर्सर कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन नीचे चला जाएगा। अगर हमको यहाँ पुनः इंटर की प्रेस करेंगे पुनः वो दूसरा लाइन में पहुँच जाएगा। यानी इंटर की का यूज हमको हम नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट इट इज ऑल्सो नॉन एज कमांड की। कमांड की मतलब क्या होता है कि सपोज दैट आप कोई सेव करते हैं या कहीं पर आप कोई डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसमें कहीं रहता है ओके बटन, कहीं सेव बटन, तो वो कमांड भी आप अगर इंटर की को प्रेस करते हैं तो वो ओके हो जाता है, या कहीं पर अगर प्रिंट लिखा हुआ है तो प्रिंट हो जाएगा, अगर सेव लिखा हुआ है सेव हो जाएगा, अगर ओपन लिखा हुआ है ओपन पर आपको क्लिक करना है और वो हाईलाइटेड है, आप अगर इंटर की भी प्रेस करते हैं तो वो कमांड का काम करने लगेगा। ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर कैरिड आउट बाय द कंप्यूटर व्हेन द इंटर की इज प्रेस्ड, यानी जितने सारे इंस्ट्रक्शंस आपको कंप्यूटर को देना है उसको ओके करने के लिए आप इंटर की का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फैक्ट्स है, कर्सर इज द ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मॉनिटर, इट शो द करेंट पोजिशन वेयर यू शुड टाइप द नेक्स्ट टेक्स्ट मैटर। यानी क्या कि इंटर की का जो यूज होता है, यानी आप स्क्रीन पर देखते हैं कि कर्सर एक वर्टिकल लाइन जो हमको आपको बताए जब हम टेक्स्ट टाइप करते हैं उसके स्टार्टिंग में या उसके फर्स्टली आपको वहाँ पर दिखता एक वर्टिकल छोटा सा लाइन जो हर हमेशा ब्लिंकिंग करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कर्सर। इट शो द करेंट पोजिशन वेयर यू शुड टाइप द टेक्स्ट मैटर, जहाँ पर आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं उसका क्या होता है, वहाँ पर वो हर हमेशा शोज करता है, दिखता है। नेक्स्ट डिलीट की, एनी थिंग दैट इज टाइप इन द राइट साइड ऑफ द कर्सर इज इरेज्ड यूज डिलीट की। यानी कि आपको देखिए यहाँ पर दिखाया गया है क्या कि अगर आपको सी ओ एम पी यू लिखा हुआ है और यहाँ पर एक कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है और इधर के टेक्स्ट को आपको इरेज करना है, यानी राइट कर्सर के राइट साइड के टेक्स्ट को अगर आपको इरेज करना है तो आप डिलीट की का यूज करेंगे। जैसे कि हम आपको दिखा सकते हैं वर्क करके, हम वर्ड पैड ओपन करते हैं और हम जैसे यहाँ पर कर्सर को क्लिक करते हैं और हमको इरेज करना है इज और एन को, हम क्या करेंगे, डेल की को प्रेस करेंगे, देखिए, और तब तक प्रेस करेंगे जब तक कि हमको सारा करेक्टर डिलीट ना हो जाए। ये जितने करेक्टर आपको डिलीट करना है उतने बार उसको क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है
फंक्शंस की, फंक्शंस की क्या होता है, द कीज मार्क्ड विथ नेक्स्ट है फंक्शन की, फंक्शन की का क्या यूज होता है हम आपको बताएंगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा द की इज मार्क्ड विथ F1, F2, अप टू F12। सारे कीबोर्ड में सबसे अपर साइड में 12 फंक्शंस की होते हैं। दीज कीज आर आल्सो यूज्ड एज शॉर्टकट कीज एंड टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। यानी इस की सहायता से हम किसी एक फंक्शंस को एक बार प्रेस करने के बाद उसे पूरा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल F5 इज यूज टू रिफ्रेशेज द पेज। जब आप कंप्यूटर ओपन करते तो उस पेज को रिफ्रेश करने के लिए हम F5 फंक्शन की को प्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पर तो कि आपके इस कीबोर्ड में नहीं है, हम आपको यहाँ दिखा सकते हैं इस स्क्रीन पे यहाँ इस कीबोर्ड में कि देखिए यहाँ पर F5 फंक्शन की यहाँ पर है। आप इसे एक बार अगर प्रेस करते हैं तो आपका पेज क्या होता है, रिफ्रेश हो जाएगा। दूसरा फंक्शन की जैसे F12 आप किसी डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं तो सेव करने के लिए अगर आप डायरेक्टली F12 फंक्शन की प्रेस करते हैं तो वो भी क्या होगा, इरेज हो जाएगा, ये सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है डोंट एंड डोंट्स व्हाइल यूजिंग कीबोर्ड। कीबोर्ड शुड बी हैंडल विद प्रॉपर केयर एज इट इज एन इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। यानी कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड की सहायता से हम जो भी इनपुट करते हैं, जो भी इंटर करते कंप्यूटर में, सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है कीबोर्ड। डू रिमेंबर द फॉलोइंग टिप्स व्हाइल यूजिंग द कीबोर्ड। जब आप कीबोर्ड को यूज करते हैं तो कुछ टिप्स को आपको रिमेंबर करना चाहिए। जैसे कि है फर्स्ट वी शुड नॉट कीप एनीथिंग ऑन कीबोर्ड। यानी कीबोर्ड पर किसी भी चीज को रखना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट पुल और पुश द कीबोर्ड हार्डली होना चाहिए कि कीबोर्ड की कीज को जोर से नहीं दबाना चाहिए या उस पर कोई भी की को ज्यादा प्रेस ज्यादा दबाना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट प्रेस द कीज टू हार्ड। यानी कीज को हार्ड से यानी कठिन से ज्यादा प्रेस देकर के नहीं दबाना चाहिए। व्हाइल टाइपिंग वी शुड जेंटली प्रेस द कीज एंड रिमूव आवर फिंगर क्विकली। यानी कि आप जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आपको कीबोर्ड के की को प्रेस करने के बाद तुरंत वहां से हटा लेना चाहिए फिंगर, अदरवाइज द सेम लेटर इज टाइप्ड अगेन। नहीं तो क्या होगा, वही कैरेक्टर फिर से आपका टाइप हो जाएगा। द कीज ऑन ए कीबोर्ड आर नॉट अरेंज इन ऑर्डर फ्रॉम ए टू जेड। आप जानते हैं सही बात है क्या कि कीबोर्ड में कोई भी कीज ABCD अरेंज नहीं है, वो जस्ट तस लगा हुआ है। व्हेन दे आर प्रेजेंट एज QWERTY यानी क्वाइटी एंड सो ऑन, सच कीबोर्ड्स आर कॉल्ड क्वाइटी कीबोर्ड्स। वैसे कीबोर्ड जहाँ पर सबसे पहले ऊपर में ऊपर के रो में लिखा रहता है अल्फाबेटिकल नंबर्स QWERTY, उसे हम क्वाइटी कीबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है इस चैप्टर का ये आपका पार्ट टू वीडियो भी समाप्त हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप ध्यान से देखिएगा, जिसमें ब्रेन स्टॉर्मर में है कि आप इस क्वेश्चंस को देखें और इस क्वेश्चंस को फेयर बनाने की कोशिश करें और आपके इस वीडियो की सहायता से या आप इस चैप्टर की सहायता से इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप बेसिकली व्हाट्सएप के जरिए आप इस क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन आप प्राप्त कर सकते हैं, या आपके अपर साइड में फ्रंट स्क्रीन पर आपको मेरा हेल्पलाइन नंबर है जिससे कॉन्टैक्ट करके आप इसका आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डिफाइन फंक्शन कीज। सेकेंड है नेम ओनली 3 स्पेशल कीज, आपको 3 स्पेशल की का नाम लिखना है। व्हाट इज डिलीट की यूज्ड फॉर, डिलीट की का यूज क्या होता है, किस वर्ड के लिए होता है उसको आपको लिखना है। व्हाट इज शिफ्ट की यूज्ड फॉर, शिफ्ट की का यूज क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन,
द डिलीट एंड द बैक स्पेस की, बैक स्पेस की और डिलीट की के बीच डिफरेंस क्या है उसको आपको बताना है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। फर्स्ट ऑप्शन है फंक्शंस की, नंबर कीज, एरो एंड नम लॉक की। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन है द कीज मार्क्ड विथ नंबर्स 0 to 9 आर कॉल्ड डैश, यानी 0 से 9 जो नंबर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उस कीज को क्या कहते हैं। डैश कीज आर यूज टू मूव कर्सर ऑन द स्क्रीन। अब कौन से ऐसे कीज है जिसकी सहायता से स्क्रीन पर हम कर्सर को मूव करते हैं। द कीज मार्क्ड विथ F1, F2, up to F12 आर कॉल्ड डैश, यानी F1 से F12 तक के की को हम कौन से की कहते हैं। द यूज न्यूमेरिक की पैड, यानी न्यूमेरिक पैड का क्या यूज है। डैश की शुड बी ऑन, यानी द यूज न्यूमेरिक की पैड, डैश की शुड बी ऑन, न्यूमेरिक की पैड का यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए हम कौन से की को, हमें कौन से की को ऑन करना चाहिए। नेक्स्ट मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन, आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एरो कीज आर देयर ऑन ए कीबोर्ड, 2, 3, 4, 5 जो है आप उसको उसमें टिक करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग की डिलीट्स ए कैरेक्टर बिफोर द कर्सर, आपको ऑप्शंस दिया हुआ है बैक स्पेस, एरो, डिलीट एंड स्पेस बार। माई थर्ड क्वेश्चन देयर आर डैश फंक्शन कीज ऑन ए कीबोर्ड, 10, 12, 8, 16, 6 इसमें जो ऑप्शन सही है उसमें आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू टाइप कैरेक्टर्स इन कैपिटल लेटर्स, इसमें से कौन से ऑप्शन है जो कैपिटल लेटर्स टाइप करने में सहायता करता है। फर्स्ट बैक स्पेस, स्पेस बार, ये सॉरी फर्स्ट बैक स्पेस, कैप्स लॉक, स्पेस बार एंड फंक्शन। इसमें से जिस की को की सहायता से हम कैपिटल लेटर लिखते हैं उस पर क्या करना है, टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, द कीज दैट आर मार्क्ड विथ लेटर्स आर कॉल्ड एरो कीज, अगर आप सही है तो आप ट्रू करेंगे, अगर गलत है ये लिखा हुआ तो आप वहां पर फॉल्स लिखेंगे। द कैप्स लॉक की इज यूज टू राइट इन कैपिटल लेटर्स, क्या कैप्स लॉक की सहायता से हम कैपिटल लेटर्स टाइप करते हैं, यदि हाँ तो आपको वहां पर टी लिखना यानी ट्रू, एफ लिखना यानी फॉल्स। कीबोर्ड इज नॉट एन इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, क्या इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर है कीबोर्ड, अगर है तो ट्रू लिखना है, नहीं है यहाँ पर लिखा कीबोर्ड इज नॉट एन इंटीरियर पार्ट यानी ये गलत कर रहा है तो वहाँ पर आपको फॉल्स कर देना। द शिफ्ट की इज यूज टू टाइप द अपर कैरेक्टर सिम्बॉल्स, यानी शिफ्ट की के सहायता से हम किसी भी की के अपर कैरेक्टर सिम्बॉल्स को टाइप करते हैं, अगर ट्रू है तो टी लिखेंगे, अगर फॉल्स है तो फॉल्स लिखेंगे। तो आज का ये फन एक्टिविटी है और आज का आपका ये वीडियो समाप्त होता है। आप इस वीडियो में दिए हुए जितने सारे क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को बनाएं और उसे फेयर करने की कोशिश करें। जो आपसे वीडियो नहीं हो पाती है, जो नहीं समझ पाते हो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप व्हाट्सएप के जरिए या आपके गूगल क्लासरूम के जरिए उस क्वेश्चन को आप टीचर के द्वारा सॉल्व कर लें या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उस क्वेश्चन की जानकारी ले सकते हैं। सो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।